ये देखिए गुलाब जामुन, ये किसके बने हैं? ब्रेड के गुलाब जामुन है। कोई कहेगा कि ब्रेड के गुलाब जामुन है? कैसे हैं आप सब लोग? मैं मिसेज रेखा अपने यूट्यूब चैनल को फिर मिसेज रेखा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले गुलाब जामुन बनाने से पहले हम इसकी चाशनी भी रेडी कर लेते हैं। तो चाशनी रेडी करने के लिए एक कप हमने चीनी ली है और एक कप पानी। तो अब हम इसमें फ्लेवर के लिए दो इलायची इसको कूट लेंगे और इस चाशनी में डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको लो फ्लेम पर इसको चलाएंगे और एक इसकी चाशनी बनाएंगे। एक तार से कम चाशनी बनानी है, ढाकनी बनानी है। तो चाशनी बन के रेडी हो गई है। अब हम ब्रेड के गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो हम ब्रेड वाइट ब्रेड लिए। आप एक ज़रूरी टिप्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो, फ्रेश हो, तभी आपके गुलाब जामुन भी सॉफ्ट और फ्रेश बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे, जूसी बनेंगे। तो इसके एजेस पहले सारे ब्रेड के कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे रेसिपी देखते हैं तो आप बताइए मुझे कमेंट लिख करके कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो उसके बाद अब हमने ये ब्रेड जो कट कर ली थी एजेस, इसके स्मॉल छोटे छोटे रफली पीसेस तोड़ लेंगे। बस बिल्कुल रफली पीसेस तोड़िएगा। और ये हमने हाफ कप मिल्क लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क ऐड करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पहले ऐड करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ही लूज़ हो जाएगा। इसका हमको एक टाइट डो बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, थोड़ा सॉफ्ट रहे। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें दूध मिक्स करिए और रफली बहुत हल्के हाथों से इसको हमको ऐसे मिक्स करना है दूध को कि ये सारे डो के फॉर्म में आ जाए। और अगर आपका दूध इसमें आप इसमें ज़्यादा दूध पड़ जाता है और ज़्यादा ही चिपचिपी हो जाते हैं तो इसके लिए आप इसमें एक ब्रेड और तोड़ करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो अब हम इसमें फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए ये मावा लिया है और 1 टीस्पून डेसिकेटेड नारियल और ये 1 टीस्पून ये पिसी हुई शुगर है। तो सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे चाशनी बनाते वक्त इलायची पाउडर हमने डाला इसलिए इसमें नहीं डालेंगे। तो इसके छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे कि जितना कि गुलाब जामुन के अंदर फिल हो जाए। तो हमारा ये बॉल्स भी रेडी हो गई है। अब इसको देख लेते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं। तो देखिए ये हमारा रेडी है, बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट रहेगा डो तभी हमारे रसगुल्ले भी सॉफ्ट बनेंगे। देखिए अगर थोड़ा सा आपको चिपचिपा लगे तो आप थोड़ा सा इसमें एक ब्रेड या हाफ ब्रेड अकॉर्डिंग टू डो आप इसमें मिक्स कर लीजिए और छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए। और देखिए अंदर ऐसे ही फिलिंग फिल करके इसको बंद कर दीजिए। देखिए ऐसे फिल करके बंद कर दीजिए और इसको हल्के हाथों से इसको शेप दे दीजिए। सर्किल या ओवल जैसी शेप देनी है आपको। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक सूजी के गुलाब जामुन भी वीडियो दिया था जिसको आप सबने बहुत ही लाइक किया है। तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई करिए। देखिए ऐसे ऐसे सारे हम रसगुल्ले बना लेंगे, बॉल्स बना करके रेडी कर लेते हैं। इसको हल्के हाथों से अच्छे से इसको डो बाइंडिंग कर लीजिएगा क्योंकि नहीं तो ये ऑयल में बिखर जाएंगे। तो देखिए ऑयल को पहले हाई फ्लेम पे गर्म कर लीजिए, उसके बाद लो फ्लेम कर दीजिए, तब रसगुल्ले आप डालिए। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं रसगुल्ले। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। देखिए अब ये नीचे से एकदम लो फ्लेम करेंगे तो नीचे से ये खुद ही अपने आप रसगुल्ले छोड़ देंगे नीचे वाली प्लेस। देखिए इसका सुनहरा कलर आ रहा है धीरे धीरे। अब लो फ्लेम पे इसको करिए बराबर से, ये अंदर तक बेक हो जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। इसको बस ध्यान रखिएगा लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। देखिए कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर आया है इसका। वाओ, देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन गुलाब जामुन का आया है। लग रहा है कि ये ब्रेड के गुलाब जामुन है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखिए वाओ कितना बढ़िया कलर आया। तो आप लोग मेरे स्टेप्स
को जो हमने मैंने बताया उसको ज़रूर फॉलो करिए और तो आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। इस तो इसको गर्म चाशनी में डिप कर देंगे और ये थोड़ी देर के बाद ये सारा जूस एब्जॉर्ब कर लेंगे तो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको एक घंटे के लिए ऐसे रख देते हैं। देखिए एक घंटे के बाद कितने सॉफ्ट और स्पंजी हमारे गुलाब जामुन ब्लड के बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट की जो हमने मावा की फिलिंग की थी वो कितनी ही अच्छी लग रही है। आप लोग की ब्रेड के गुलाब जामुन कैसे बने ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।